एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। ग्राफिक आर्टिस्ट की सीरीज़ में हम अनुपम सूद, कृष्णा रेड्डी, सोमनाथ होरे, ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा के लक्ष्मा गौड़, जो कि प्रसिद्ध ग्राफिक आर्टिस्ट है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपके सभी जो नेट, AMRS, RSSB, RPSC, NVS, KVS सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और पहले अगर आपने इसके जो टॉपिक हैं वो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपके सबसे नियर बाय जो एग्ज़ाम है वो है आपका AMRS का, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें अपन इनकी जो थ्योरी है वो, इनका जन्म, आर्टवर्क, एजुकेशन सब, और उसके साथ साथ इनकी हम जो आर्टवर्क है वो हम देखेंगे, ठीक है। इनके चित्र देखेंगे जो कि KVS उसमें नेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए इनका जो, इनको मोस्टली सभी जगह पर आपको इनका जो नाम है वो के लक्ष्मा गौड़ देखने को मिलेगा, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो है आपका कलाल लक्ष्मा गौड़, ठीक है। इनके जन्म की हम बात करें तो 21 अगस्त 1940 को निजामपुर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। एजुकेशन इनकी हैदराबाद के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हुई थी। ड्राइंग और पेंटिंग से इन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन वो कंप्लीट की थी। उसके बाद जो है बड़ौदा के महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय में इन्होंने KG सुब्रमण्यम के अधीन भित्ति चित्रकला का अध्ययन किया था, ठीक है। जो म्यूरल आर्ट होती है, म्यूरल आर्ट के अगर आपको सबसे फेमस आर्टिस्ट पूछा जाए तो वो आप कीजिएगा KG सुब्रमण्यम। ये अपने म्यूरल आर्ट के लिए बहुत फेमस थे और इन्हीं के सानिध्य में, इन्हीं के जो है गाइडेंस में इन्होंने म्यूरल आर्ट का जो है एजुकेशन ली थी, अध्ययन किया था 1963 से 1965 में। इनके प्रोफेशन की हम बात करें तो ये एक चित्रकार, प्रिंट मेकर और ड्राफ्ट मैन थे। नेक्स्ट जो है इनके जो टेक्निक थी, इन्होंने नक्काशी में कार्य किया था जो उत्कीर्ण होता है, उसके बाद ग्लास पेंटिंग इन्होंने की, इसके साथ ही मूर्ति कला में भी इन्होंने कार्य किया था, मूर्तियाँ भी बनाई थी इन्होंने, और इन्होंने पेस्टल में भी कार्य किया था। इनके चित्रों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं चित्रों में अति यथार्थवादी, प्रजनन क्षमता और कामुकता को इन्होंने दर्शाया है। इन्होंने कलम और स्याही से भी चित्रकारी की है। देखिए ये जो बिल्कुल कट टू कट लाइन है, आप इन लाइनों को याद रखिए, ठीक है। कई बार जैसे पूछ लिया जाता है कि ये जो किसके चित्रों में हमें ये भाव देखने को मिलते हैं, या फिर किसके चित्रों के विषय ये हैं, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में मोस्टली, जैसे RSSB का जो एग्ज़ाम है उनमें काफ़ी डीपली पूछे जाते हैं, तो जहाँ भी डीपली पूछे जाएंगे वहाँ आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लाइन्स हैं, वन लाइनर आप कहिए आपके नोट्स टाइप में, तो आप इनको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने कलम और स्याही से भी चित्रकारी की थी। 1970 के दशक तक गौड़ ने अपनी नक्काशी में एक्वाटिंट और अधिक गहन यौन विषयों पर कार्य शुरू किया था। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ये वाला पॉइंट, इनके जो चित्र थे उनमें इन जो यौन विषय हैं उन पर, और जो प्रजनन क्षमता, कामुकता, इनको इनका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन टॉपिक्स पर इन्होंने ज़्यादा वर्क किया था। 1980 तक कलाकार अधिक पारंपरिक जड़ों की ओर लौटते दिखे और अधिक शांत और सजावटी शैली में टेराकोटा और रिवर्स ग्लास पेंटिंग जैसे शिल्प रूप में कार्य किया। अच्छा, यहाँ पर आप एक बात देखिएगा कि जो ग्लास पेंटिंग होती है, कई बार अगर आपसे उसका दूसरा नाम पूछ लिया जाए या फिर उसकी जैसे टेक्निक पूछ ली जाए, कुछ भी वहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करते हैं, तो ठीक है, तो वो आपसे पूछ लेता है, तो इसे रिवर्स ग्लास पेंटिंग या रिवर्स पेंटिंग किसे कहा जाता है, तो इस टाइप से भी अगर बहुत डीप पूछेंगे तो इस टाइप से पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। अभी जो हाल ही में KVS के इंटरव्यू हुए थे उसमें किसी कैंडिडेट से पूछा गया था कि जो ग्लास पेंटिंग है वो कैसे करते हैं, या फिर तो उसका कुछ दूसरा नाम या इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो इसे रिवर्स पेंटिंग भी बोला जाता है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए, इन्होंने हैदराबाद विश्वविद्यालय के सरोजिनी नायडू स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, फाइन आर्ट एंड कम्युनिकेशन के ये प्रमुख शिक्षक थे। इनके जो चित्र हैं वो थे साउथ इंडियन वुमेन और निजामपुर पर श्रृंखला। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों ही। इनकी जो निजामपुर श्रृंखला है वो बहुत फेमस है। 2016 में इन्हें पद्मश्री मिला था। इनके हम एग्जीबिशंस की बात करें तो इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल जो एग्जीबिशंस हैं उनके साथ साथ कई वन मैन शो भी इनके द्वारा किए गए थे। तो इनके जो एग्जीबिशंस हैं वो इंडिया में तो लगी ही थी, यानी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही इन्होंने एग्जीबिशंस की थी, ग्रुप और सोलो दोनों ही। तो कला भवन हैदराबाद में, एंसडेल गैलरी लंदन 1973, अलंकारिक भारतीय कलाकार वारसा बुडापेस्ट, बेलग्रेड गोइथे इंस्टीट्यूट म्यूनिक में, और साओ पाओलो बीएनएल ब्राज़ील 1977 में। अच्छा, एक बात है कि बहुत सारे जैसे ये यहाँ पर आपको एग्जीबिशंस की जगह देखने को मिलेंगी, गैलरीज देखने को मिलेंगी, तो सवाल ये भी है कि इतने सारे याद कैसे रखें, ठीक है? तो आपको सभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो है, सबसे पहले तो आप जो इंडिया के मेन है कि इन्होंने ये याद रखिएगा, जैसे इन्होंने म्यूनिक में काम किया, इन्होंने ब्राज़ील में काम किया, ठीक है, हैदराबाद में इन्होंने किया था, तो इस टाइप से आप जो मेन है वो याद रखिएगा। लेकिन आप नोट डाउन ज़रूर कीजिए, क्योंकि किसी भी बुक में आपको एक ही जगह पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगी, इसलिए ये आपके जो नॉलेज है वो बढ़ाने में काम आएगी। और कौन सी चीज़ याद किया हुआ, पढ़ा हुआ, कहाँ पर पूछ लिया जाए, कहाँ काम आ जाए, वो हम नहीं बोल सकते। इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। एक बार अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो उसके बाद चीज़ें जो है रिकॉग्नाइज़ करने में आपको आसानी होगी, आप उन चीज़ों से कनेक्ट कर पाएंगे। जब भी एग्ज़ाम होगा तो वो चीज़ें जो है वो अपने आप रिकॉल आपके माइंड में हो जाएंगी। तो उसके बाद देखिए, समकालीन भारतीय चित्रकला भारत महोत्सव रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट लंदन में, ठीक है, तो ये जैसे भारत महोत्सव हो गया, ठीक है, तो इस टाइप की जो जगह हैं इन्हें आप ज़्यादा याद रखिएगा। एक से दो बार या तीन बार आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली जो मेन पॉइंट है वो आपको लर्न हो जाएंगे। इंडिया इन प्रिंट, कोनिक्लीज, भारत महोत्सव संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत की समकालीन कला द हार्वेस्ट कलेक्शन यूएसए 1986 में, समकालीन भारतीय कला चीन महोत्सव जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी इन्होंने अपनी जो एग्जीबिशंस हैं वो की थी। उसके बाद जर्नीज विद इन लैंडस्केप, जहांगीर आर्ट गैलरी बॉम्बे, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी नई दिल्ली, ग्रे आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क, वॉर्सेस्टर कला संग्रहालय 1986 में, Y2K प्रिंटों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, राष्ट्रीय ताइवान कला 2000, दिल्ली आर्ट गैलरी, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई और दिल्ली आर्ट गैलरी में इन्होंने 2004 में एग्जीबिशंस जो हैं वो लगाई थी। यहाँ पर आप एक दो चीज़ें और याद रखिएगा, जैसे कि सबसे मेन, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है, बॉम्बे में। आर्ट गैलरी आपको पता है पूछी जाती है एग्ज़ाम में, ठीक है। राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी कहाँ है, दिल्ली में। ग्रे आर्ट गैलरी कहाँ है, न्यूयॉर्क में। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की चीज़ है, इनको आप नोट डाउन कीजिए। आपका जो भी टॉपिक है, जैसे कि आपने आपका जो गैलरीज़ का है कि कौन सी गैलरी कहाँ है, तो उनमें आप ऐड करते जाइए, ठीक है। आपकी एक ही क्वेश्चन, एक ही टॉपिक से आपके दो दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, दिल्ली आर्ट गैलरी, नेहरू सेंटर, ICA गैलरी जयपुर राजस्थान 2008 द्वारा आयोजित सोलो शो। इनके कार्य संग्रह की हम बात करें तो इब्राहिम अलकाजी और कला विरासत नई दिल्ली में, मसानेरी फुफुओका ग्लेनबर्ग कला संग्रहालय जापान में इनका वर्क हमें देखने को मिलेगा, सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद। अगेन आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, इस टाइप की, जैसे ग्लेनबर्ग कहाँ है, जापान में है, सालारजंग कहाँ है, हैदराबाद में है, ठीक है, इब्राहिम अलकाजी कहाँ है, ये दिल्ली में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी नई दिल्ली, दिल्ली आर्ट गैलरी, ठीक है, जहांगीर निकोलसन आर्ट फाउंडेशन ये मुंबई में है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये आप याद रखिएगा। बुक है के लक्ष्मा गोड बाय गुलाम मोहम्मद शेख, ये हम पढ़ चुके हैं कि 2016 में इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद देखिए, इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं,
तो उनको आप देख लीजिए। इनके जब आप चित्र देखेंगे, इनके या किसी भी आर्टिस्ट के, जैसे हमने अब तक जितने भी जो ग्राफिक आर्टिस्ट पढ़े हैं, तो आप एक बार उनके जो चित्र हैं उनको ध्यान से देखिएगा। उनके जो पहले तो उनके टॉपिक देखिएगा कि उन्होंने किस टॉपिक पर काम किया है। मैंने सभी में अलग से नोट किया है सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद जो उनके आगे चित्र हैं, उनके जो आर्ट वर्क है वो आप देखिएगा। आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कौन से आर्टिस्ट ने किस सब्जेक्ट को लेकर, या फिर उनके जो चित्र हैं उनमें एक सिमिलैरिटी दिखाई देगी। तो हमने अगर हम 10-15 चित्र जो है इनका आर्ट वर्क एक बार में देख लेंगे, उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली जो है हम रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये वाला वर्क उस आर्टिस्ट का होगा, ठीक है। क्योंकि सभी जो चित्र हैं उनमें आपको पता है बहुत सिमिलैरिटी है। आप इनके भी वर्क देखेंगे, इनसे प्रीवियस जो भी आर्टिस्ट थे उनके भी वर्क देखेंगे, तो आपको एक काइंड ऑफ सिमिलैरिटी दिखाई देगी, जिससे कि हम उन चित्रों को आसानी से पहचान सकते हैं कि ये उसी आर्टिस्ट के चित्र होंगे। तो ये देखिए, एक सेकेंड, ओके, अब देखिए बंजारा हिल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए अनटाइटल्ड, इन्होंने निजामपुर सीरीज पे काफ़ी जो है चित्र बनाए थे। ये भी हाल ही में शायद इनमें से के लक्ष्मा गौर का एक चित्र आया भी था, उसमें एग्जामपुर सॉरी इसमें नेट के एग्ज़ाम में। ये निजामपुर सीरीज का ही इनका एक चित्र है। उसके बाद एक स्टैंडिंग कपल और सीटेड कपल, पेंसिल ऑन पेपर। देखिए इनके जो फेस हैं वो आप देख सकते हैं कितनी सिमिलरिटी है, इनके सारे जो चित्र हैं जो प्रिंट है उनमें बहुत सिमिलरिटी है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। ये अनटाइटल्ड इनका, ठीक है, ये सेट ऑफ 5 ड्राइंग, मैन एंड वुमेन के अनटाइटल्ड मिक्स मीडिया ऑन पेपर, ये एक कॉम्पोजिशन है, ठीक है, जिसमें आपको फिगर, कैटल और ट्री देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैथोलॉजिकल सीन है, यहाँ पर एक दिखाया गया है पौराणिक जो चित्र है उसका एक सीन यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। ये भी अगेन ये निजामपुर सीरीज, ये सभी जो हैं वो निजामपुर सीरीज के इनके चित्र हैं। कपल, देखिए इनके जो फेस हैं और कलर कॉम्बिनेशन है बहुत सिमिलर हैं, तो आप आसानी से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनका विलेज सीन, हार्मनी इन ब्लैक एंड वाइट, काफ़ी फेमस इनका चित्र है। पीपल ऑफ तेलंगाना, तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र थे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपके जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे ही नेक्स्ट आपको जो जितने भी आपके आर्टिस्ट हैं और जो स्कल्पचर हैं आर्टिस्ट हैं यानी मूर्तिकार हैं उनके भी आपको वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करवाऊँ, ताकि आपकी जो AMRS का एग्ज़ाम है, DSSSB का भी आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, तो उनमें आपको हेल्प करेगा। और पहले के अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।